मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि गांव में मेरा इतना सम्मान हुआ है। कहीं ना कहीं शायद ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मैं अपने गांव के लिए, अपनी माटी के ऋण को चुकाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरा गांव जो जाना जाता है फौजियों को बनाने के लिए, उसमें मैं अपना एक योगदान प्रदान कर पा रहा हूँ, और इससे बड़ा और इससे खुशी का मौका मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैंने बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए। शायद मेहनत का ही फल होता है जो हमें कोई भी चोटी हासिल करने में बहुत सहायक होता है। मेरे मन में बस देश सेवा की भावना थी, और उसके लिए फिर मैं जितनी भी मैं मेहनत कर सकता था और जितना भी मैं अपनी ओर से प्रयास कर सकता था वो मैं करता रहा। ये फिर ऊपर वाले की दुआ थी और मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में ये कर सका। सबसे पहले मेरे मन में शहीदों के स्मारकों को देख के बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई थी कि मुझे भी देश की सेवा करनी है, मैं भी अपने जीवन को देश सेवा में लगाना चाहता हूँ। और वो उस समय जो सैक्रिफाइस और जो दान जो लोग अपने जीवन तक को समर्पित कर देते हैं देश के लिए, वो जो सम्मान की भावना जागृत हुई, उससे मैं देशभक्ति को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने फौज को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि शायद हमारे चरखी दादरी और भिवानी की साइड की पूरी एक बेल्ट है जो फौजियों को बनाने के लिए जानी जाती है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं उसी एक प्रथा को आगे ले जाना चाहता हूँ, और शायद इससे भी एक ऊपर के स्तर पर मैं अपने देश को, अपने गाँव को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब हम किसी भी चीज़ को हासिल करने का जज्बा रखते हैं, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो देशभक्ति की भावना इतनी जागृति ला देती है इंसान के अंदर कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं युवाओं को बस यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि अगर आप देशभक्ति की भावना रखते हैं अपने मन में, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो देश के सभी युवा अपने पूरी सोच और अपने पूरे जोर के साथ जितना भी जोर लगा सकते हैं फौज में जाने के लिए, वो सारा जोर लगा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देश की सेवा करना चाह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उन शहीदों को आहुति या फिर उनके प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करना चाहते हैं, और फौज को नौकरी ना समझते हुए उसे एक श्रद्धा समझना चाहिए, देश के प्रति समर्पण समझना चाहिए। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा गांव और जिसने मेरे अंदर यह बीज बोया कि मुझे फौज में जाना चाहिए, उस गांव को मैं आज गौरवान्वित कर पा रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी का मौका मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन मोटिवेशन है, मेरा जो मेन उत्सर्ग है, वो देश सेवा है। अगर अब मुझे लगता है कि मैं NDA के थ्रू देश की सेवा कर सकूँगा, देश के लिए अपना पूर्ण समर्पण दे सकूँगा, तो मैं NDA जाने के लिए कोई भी ऐसा दो राय नहीं रखूंगा अपने दिमाग में, और देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। देखो, अनुराग क्या है, बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही मेहनती है, उसको थोड़ी सी गाइडलाइन पे ही वो अपना काम खुद कर लेता है। कैसे इन्होंने, किसकी प्रेरणा ली थी, कैसे आपने? इसने जो प्रेरणा है वो कहानियों से ली है सारी, जितने इंस्पिरेशन पर्सन थे उसके, जैसे मेन उसने लिटरेचर पढ़ा प्रेमचंद जी कि इतने गरीब माहौल में उसने अपना नाम कमाया और हिंदी साहित्य में वो एक छा गए, तो उसको ये था कि मैं भी कहीं ना कहीं एक जगह अपनी जगह बनाऊं समाज में। तो उन्होंने मेजर जो थे हमारे संदीप सिंह, उनसे बहुत ही स्टोरी, जैसे बॉर्डर मूवी वगैरह दिखता था कई बार, उनसे उसको बहुत मतलब एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी कैसे बनूं। कहीं कोचिंग नहीं ली, उसने सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल पढ़ा। जो फिजिक्स वाले हैं उन्होंने अपने एक शौर्य अकेडमी बनाई हुई थी, उसने अपने जो स्टाफ डाले हुए थे उनसे उसने लगता था कि अनुराग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था फर्स्ट आ पाएगा। हम ये सोचे कि बस वो अप टू 10 रैंक आ जाएगी, लेकिन उसके मन में ये था कि शायद मैं फर्स्ट भी आ सकता हूँ, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट ही रहा है नर्सरी क्लास से। और बच्चों को क्या आप संदेश देंगे जो आपका बच्चा जैसे यहाँ ऊपर आए? देखो, मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले घर का एटमोसफेयर अच्छा रखें, ताकि कि बच्चा जो सेल्फ रेडी जब भी कर पाएगा जब घर का एटमोसफेयर सही रहे।